My dear officers, according to our intelligence reports, दाऊद के आदमी खतरनाक हथियारों के साथ मुंबई में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुंबई में कुछ भी हो सकता है। इट मे बी ब्लास्टिंग्स, किलिंग्स और समथिंग इवन मोर डेंजरस। अगर आपको किसी व्यक्ति पर जरा सा भी शक हो तो फौरन उसकी तलाशी लो। Whoever it may be, if he doesn't cooperate with you, arrest him. Mahavir and his men, domestic airport. Prakash Khanna, international terminal. Rajendra Gupta, his men, railway stations. Ajit Pawar, Dadar bus depot. Anil Agnihotri, Kurla. Mahesh Shakkar, Prakash Bharadwaj, checkpost. Last, Vinay Gokhale, harbors. जब तक मुंबई चैन से नहीं सोएगा हम भी नहीं सोएंगे। यस सर। गुड लक। डॉक्टर, वो शूट आउट वाला पेशेंट कैसा है? आई एम सॉरी सर, वो आदमी, देखो ये सेंटीमेंटेलिटी छोड़ो, वो मेरे मामा का लड़का नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वो जिंदा मिलेगा या मुर्दा। सर मैं देख सकता हूँ उसे? ओके सर। देखा ऑफिसर, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तू, कुछ नहीं बताऊंगा। दाऊद का आदमी हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं मारने के लिए तैयार हूं। सर, ये क्या किया आपने? कुत्ते की मौत का इंतजार करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। म्यूनिसिपैलिटी वालों को फोन कर दो, कचरे के साथ इसकी लाश को भी उठाकर ले जाएं। चलो। कमिश्नर साहब, आपने इतनी बड़ी रकम के हथियार गिरफ्तार किए, एंड यू हैव प्रूव्ड महाराष्ट्र पुलिस इज ग्रेट। ये बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की नहीं, अफसोस की बात है। ये राम जन्मभूमि है। अगर हम यहाँ शांति चाहते हैं तो दाऊद जैसे रावण को खत्म करना होगा। क्या आपको यकीन है कि इन सब के पीछे दाऊद का हाथ है? हाँ, दाऊद और उसके साथ साथ ISI के लोग भी शामिल हैं। वो हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन मैं और मेरा डिपार्टमेंट उनके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देगा। आपकी बातों से ये साबित होता है कि आप दाऊद को पकड़कर अपना नाम इतिहास में दाखिल करना चाहते हैं। इतिहास में नहीं, मैं जनता के दिल में दाखिल होना चाहता हूँ, क्योंकि इतिहास में तो गांधी भी हैं और गोडसे भी हैं, लेकिन दिल में सिर्फ महात्मा गांधी हैं। और आपकी तमन्ना? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, द होल वर्ल्ड शुड से दिस।